नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा सेशन नंबर 28 ऑफ वर्ल्ड पावर मेड इजी। और डू लाइक द सेशन, कमेंट यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, अगर आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दें। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, अगर आप देख रहे हो, अगर आप लाइक भी कर दोगे तो आपके जैसे बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच पाएगा। अगर लाइक भी नहीं करोगे तो आपके जैसे बाकी लोगों तक भी नहीं पहुंच पाएगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट मुझे मिल सकता है इफ़ यू लाइक द सेशन। तो इफ़ यू रियली लव इट, डू लाइक इट, शेयर भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, एनी सजेशन, डू कमेंट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। ये सारे लिंक्स हैं जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जरूर करें, वहाँ पर मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्साइटिंग स्टफ पोस्ट करता ही रहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन नंबर 28। यहाँ पे लिखा है, देयर आर फ्यू ऑफ अस हु डू नॉट नीड वार्म एंड नरिशिंग रिलेशनशिप टू लीड ए फुलफिल्ड लाइफ। और फ्यू के बारे में बता दूं, फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, मतलब ये कह रहा है कि हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, या फिर ये कह रहा है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको नरिशिंग या वार्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए। हर किसी को वार्म रिलेशनशिप चाहिए, नरिशिंग, हमें पूरा करने वाली, अच्छा बनाने वाली रिलेशनशिप सबको चाहिए होती हैं। साइकोलॉजी इस बात को क्लियर करती है कि हम किसी से प्यार करें और हमें कोई प्यार करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी इमोशनल हेल्थ का। लेकिन वो ये चीज भी बताती है, और इस चीज की भी जरूरत को शो करती है, नेसेसिटी मतलब जरूरत, इस चीज की भी जरूरत को साइकोलॉजी शो करती है कि हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई गुस्सा है, एंगर है, इल फीलिंग है, तो उसको भी हम एक्सप्रेस करें, उसको रिप्रेस करके, दबा करके, अंदर समा करके ना रखें, ठीक है। हॉस्टिलिटीज का मतलब गुस्सा, एंगर किसी के प्रति। हम सब जानते हैं कि कितना अच्छा हमें फील होता है जब हम अपना ऐसा गुस्सा किसी के प्रति निकाल दें। आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, जब आप वो गुस्सा निकाल देंगे तो उसके बाद कितनी शांति फील होती है, और कितना क्लोजर आप किसी व्यक्ति के आ सकते हो, कितना अटैच्ड आप किसी से फील कर सकते हो जब आप डायरेक्टली और बहुत ही ऑनेस्टली अपना गुस्सा निकाल देते हो। वेंट योर एंगर का मतलब गुस्सा निकालना किसी के ऊपर, अपनी बेचैनी, रिसेंटमेंट मतलब बेचैनी, अपनी बेचैनी आप किसी के ऊपर, बेचैनी के लिए एक वर्ड अगर आपको अलग से बताऊं तो अनइजीनेस, अगर आप मन की अनइजीनेस, अपनी बेचैनी अगर आप किसी के ऊपर निकाल दोगे, अपना गुस्सा अगर आप किसी के ऊपर निकाल दोगे, इरिटेशन जो आपके मन में भरी पड़ी है उसको निकाल दोगे रादर देन बॉटल इट अप। बॉटलिंग इट अप का मतलब बंद करके रखना, और अगर गुस्सा अंदर भर करके रखोगे, इरिटेशन अगर अंदर भर के रखोगे तो क्या करोगे, अंदर उबलना शुरू कर दोगे गुस्से में। सीध करने का मतलब होता है उबलना, तो उबलना, उबल जाओगे अंदर अंदर गुस्से में, इसलिए उसको निकाल देना बहुत जरूरी होता है इमोशनल हेल्थ के लिए। इफ यू हैव एंगर, इफ यू हैव इरिटेशन, इफ यू हैव रिसेंटमेंट, इफ यू हैव एनी सच हॉस्टिलिटी फॉर समवन इन योर माइंड, वेंट इट आउट, बाहर निकालो इसे, अंदर मत रखो। यही कह रहा है ये, इससे आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का एक सिंबल है कि आप हॉस्टिलिटीज को, इस तरीके के क्रिटिसिज्म, इस तरीके के एंगर को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और इसको दूसरों के ऊपर निकाल भी सकते हो, ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी है। तो अब ये प्रिटेंड करते हैं, और ये चैप्टर जो आगे पूरा चैप्टर जो चलेगा, इसके अंदर 10 पर्सनैलिटी को डिनोट करने वाले शब्द हैं, 10 अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी को बताए गए हैं यहाँ पर। वो 10 शब्दों में मानते हैं कि आप लोग उसके अंदर हैं, और अपने आप को उन सिस्टम, उन शब्दों के अंदर रख के बताना कि आपकी पर्सनैलिटी को इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा शूट कर रहा है। सेशन के लास्ट में मैं अपना भी बताऊंगा कि इन 10 शब्दों में से सबसे ज्यादा मुझे कौन सा वर्ड शूट करता है, आप भी बताना। मैं आपके कमेंट का, इस एक्सेप्टेंस का, इस कन्फेशन का, एडमिटेंस का इंतजार करूंगा सेशन के एंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड आपको सही तरीके से वो बता पाएगा। पहला वर्ड है स्लेव ड्राइवर, मार्टिनेट। मार्टिनेट इज द वर्ड, मतलब मार्टिनेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करवाना चाहता हो। मतलब तुम चाहते हो कि हर कोई व्यक्ति, यू मेक एवरी वन टो द मार्क राइट डाउन टू द लास्ट सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल आखिरी सेंटीमीटर तक टच करके आए। तुम एग्जैक्ट करते हो, ब्लाइंड एंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस। देखिए एग्जैक्ट का एक मतलब तो होता है ओबीडियंस, जस्ट अ सेकेंड, एग्जैक्ट जो वर्ड है उसका एक तो मतलब होता है एक्यूरेट, और एक एग्जैक्ट का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग बाय फोर्स।
इफ यू डिमांड समथिंग बाय फोर्स, मतलब अथॉरिटी दिखा करके आप किसी कोई भी कोई चीज लेने की कोशिश करते हो, चाहे वो इज्जत और सम्मान ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी ईमानदारी ही क्यों ना हो, बट यू कैन यू एग्जैक्ट इट, कैन यू डिमांड इट बाय फोर्स? इफ यू डिमांड डिसिप्लिन बाय फोर्स यू आर ए मार्टिनेट. मतलब किस तरीके का वो चाहते हो, यू वॉन्ट पीपल टू फॉलो स्ट्रिक्टेस्ट कन्फॉर्मिटी टू रूल्स, मतलब जैसे रूल्स बने वर्ड बाय वर्ड वैसे ही फॉलो करें, चाहे वो कितने ही अत्याचारी टाइप के हों, चाहे वो कितने ही आर्बिट्रेरी टाइप के हों, मतलब अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख दिया. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी सेल्फ, उसमें आके जो मन में आया वो कर दिया, तो यू आर डूइंग इट आर्बिट्रेरीली. जिसको ऊपर फर्क पड़ रहा है उसका कंसर्न ही नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी. टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचार से भरा हुआ, और ऐसे रूल्स पे भी आप चाहते हो स्ट्रिक्टेस्ट कन्फॉर्मिटी. कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है पालन करना, स्ट्रिक्टेस्ट का मतलब होता है सख्त से सख्त. और तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, डेविएशन मतलब रास्ता चेंज कर लेना. तो थोड़ा सा भी रास्ता चेंज अगर कोई कर ले आपके ऑर्डर्स से, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता. ये तो आप कैसे हो, आप मार्टिनेट हो. यू आर द एपिटमी ऑफ आर्मी ड्रिल सार्जेंट. सार्जेंट ऑफिसर्स होते हैं आर्मी ऑफिसर्स. एपिटमी, एपिटोम नहीं है, एपिटमी. एपिटमी का मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल जो होता है उसको बोलते हैं एपिटमी. इसी को पैरागोन भी बोलते हैं. पैरागोन चप्पल्स आपने सुनी होंगी. हैव यू हर्ड पैरागोन चप्पल्स? यस, पैरागोन का मतलब भी वही होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल. आई होप इट इज क्लियर. तो आपने बताना क्या आप मार्टिनेट हो. अगले बातें, अगला लिखा हुआ बूट लिकर या फिर साइकोफेंट. साइकोफेंट होता है चापलूस टाइप का व्यक्ति. अब इसको तो कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं कि भैया मैं चापलूस हूं, ऑब्वियसली बात है कोई नहीं मानने वाला. यू टोडी टू रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल. और टोडी का मतलब होता है भैया साइकोफेंट होना, मतलब साइकोफेंट चापलूसी करना, फ्लैटर करना. टोडी एक वर्ब भी है और टोडी एक नाउन भी है. चापलूसी करना, फ्लैटर करना, मतलब आप चापलूसी करते हो किसकी, मतलब दिल पे मत लेना कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इसको ऐसे समझना कि अगर कोई ऐसा होगा तो वो यही करेगा. अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों की चापलूसी करेगा. केटरिंग टू देयर वेनिटी. वेनिटी का मतलब होता है घमंड. घमंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइड भी बोलते हैं. प्राइड वैसे गर्व भी होता है, और घमंड को कंसीटेडनेस भी बोलते हैं. कंसीटेडनेस. केटरिंग मतलब कोई व्यक्ति घमंडी भी है ना, तो चापलूस व्यक्ति उसके घमंड को भी केटर करेगा. केटर करेगा मतलब उसकी जरूरतें पूरी करेगा, तभी उसके घमंड को भी बढ़ाएगा और ज्यादा, है ना, फ्लैटर करेगा उसको और भी ज्यादा, उसकी ईगो को, उसके अहम को. तो यू आर द पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब था मानवीयकरण. तो मानवीयकरण हो किस चीज के, ट्रेडिशनल वार्ड हीलर. ट्रेडिशनल वार्ड हीलर जो थे मतलब या यू आउट येस द हॉलीवुड यस मैन, मतलब जी हजूरी करने में तुम यस मैन से भी आगे निकल गए हो. वार्ड हीलर जो हुआ करते थे ट्रेडिशनल टाइम में, उनके पर्सोनिफिकेशन हो. एंड ऑन द टॉप ऑफ दीज अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी की सारी जो विशेषता है ना, अनप्लीजेंट है, अच्छी नहीं है, तुम्हें कंप्लीट हिपोक्रेट हो. हिपोक्रेट का मतलब होता है ऐसा बनने की कोशिश कर, ऐसा बनने की कोशिश करना, ऐसा अपने आप को शो करना जैसे तुम नहीं हो. कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है और ईमानदार बनके दिखा रहा है तो वह हिपोक्रेट है. ध्यान रखना, हिपोक्रेसी शो करते हैं, हिपोक्रेसी. तो यही ऑल योर सर्वाइल अटेंशन. सर्वाइल मतलब सर्वेंट से रिलेटेड सर्वाइल चीजें होती हैं. नौकरों जैसी जो तुम्हारी अटेंशन है ना वो. एन अनसीजिंग, कभी ना रुकने वाला. एड्यूलेशन, बिना मतलब की तारीफ. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार, मतलब मैंने तो पर्सनली बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मतलब हद से ज्यादा चापलूसी करनी शुरू कर देते हैं, हद से ज्यादा तारीफ लोगों की करना शुरू कर देते हैं, इवन दो तो सामने वाला पर्सन डिजर्व भी नहीं कर रहा होता उतनी. तो अनसीजिंग एडुलेशन, जरूरत से ज्यादा तारीफ को एडुलेशन बोलते हैं. स्प्रिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फिश डिजायर. और आप ऐसा करते क्यों हो, आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि अपने खुद के सेल्फिश डिजायर्स हैं. स्वार्थीपना जो है ना अपना खुद का, ऐसे नहीं है कि ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले की तारीफ ही करनी है. सिंसियर एडमिरेशन का हिस्सा नहीं है. चापलूसी करनी है क्योंकि अपने हित पूरे करने हैं.
यू कल्टिवेट पीपल ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी सो दैट यू कैन करी फेवर एट द अपॉर्चून मोमेंट। तुम ऐसे लोगों को बनाते हो, बनवाते हो, और ताकि अपना फायदा मोमेंट आने पर, सही सही वक्त आने पर अपना फायदा भी आप निकाल सको। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक साइकोफेंट हो। चापलूस, फ्लैटरर, टोडी, बुटलिकर। अब मेरे को लगता है कोई ऐसा मानने वाला कि मैं हूँ, नोबडी विल से यस टू दिस वन। मार्टिनेट पर तो हो सकता कोई मान भी ले। तीसरा वर्ड है डैबलर, और डैबलर के लिए वर्ड यूज करते हैं डिलिटांट। डिलिटांट, 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 इसकी स्पेलिंग याद रखना भैया। इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ में इंडल्ज तो होते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ना तो उसमें एक्सपीरियंस है, ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जनरली कोई आर्ट फील्ड। ओफन, ओफन दो नॉट नेसेसरली, दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन ओफन अ पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट इनकम, इंडिपेंडेंट इनकम जिसकी अपनी खुद की इनकम है। तुम एंगेज हो सकते हो सुपरफिशियली इन द परस्यूट ऑफ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, राइटिंग, स्कल्पचरिंग, कंपोजिंग एटसेट्रा। मतलब फाइन आर्ट की किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करे, दैट टू सुपरफिशियली। सुपरफिशियली का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, जब उसकी डीप नॉलेज ना हो। और ऐसा तुम किस लिए करते हो? ताकि अपना खुद का मनोरंजन थोड़ा बहुत होता रहे, अपनी खुद की अम्यूजमेंट के लिए करते हो। ऐसा नहीं कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, योग्यता हासिल करनी है, ना ना ना, या फिर कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड हासिल करना, कोई पैसे ऐसे कमाने, नहीं 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 सिर्फ इतना टाइम पास करने के लिए आराम से। तो अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो जो किसी भी टाइप की आर्ट फील्ड में, मे बी कि किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, आता नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, थोड़ा बहुत अपने मनोरंजन के कहीं पर बजा लिया, थोड़ा बहुत डांस कर लिया, राइटिंग कर ली, पेंटिंग कर ली, अपने अपने उसके लिए, तो यू आर ए डिलिटेंट और ए डैबलर। यू आर नॉट ए प्रोफेशनल, यू आर नॉट लुकिंग टू मनी, गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, ऐसे ही, तो फिर यू आर ए डैबलर। डैबलर मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। देखते हैं कौन कौन अपने आप को डैबलर बताता है, डिलिटेंट बताता है। नेक्स्ट पे आते हैं विरागो, विरागो और बैटल एक्स। कोई इस प्रकार की महिला, बहुत मुश्किल है कि कोई लड़की एक्सेप्ट करे कि ही शी इज ए विरागो, कोई नहीं मानने वाली, लेकिन कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी महिला जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, झगड़ालू महिला को बोलते हैं विरागो, झगड़ालू महिला। लाउड माउथ्स, बहुत जोर से बोलने वाली। श्रुइश, श्रुइश थोड़ा सा एब्यूसिव टाइप की, कि गाली गलौज करने में भी हिचकिचाए ना और बहुत उल्टा ऐसा बोल दे। टर्बुलेंट मतलब भोचाल मचा दे कहीं पर जाकर के। क्वारलसम, झगड़ालू। एग्रेसिव, तुरंत मतलब बाल पकड़ के नोच ले किसी के। एंड पोजेसिंग नन ऑफ दोज जेंटल एंड टेंडर क्वालिटीज, उस तरीके की शांत स्वभाव वाली जो स्टीरियोटिपिकली एसोसिएटेड विद फेमिनिटी, जो महिलाओं की कुछ खास सॉफ्टनेस, मर्सीनेस, जेंटल होना, काइंड होना, इस तरीके की जो क्वालिटीज स्टीरियोटिपिकली मानी जाती हैं, स्टीरियोटिपिकली मतलब जो शुरुआत से ही मानते हैं कि महिलाएं तो इस टाइप की होती हैं, उस टाइप की जो क्वालिटीज है ना, वो नहीं होती किसके अंदर, विरागो के अंदर। होता क्या है, स्ट्रोंग माइंडेड, अनयील्डिंग, कभी घुटने ना टेकने वाला, बहुत ही स्ट्रोंग माइंडेड, शार्प टंग, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देना, एंड डेंजरस, पंगा नहीं ले सकते इनसे, डर के रहना चाहिए। और अगर आप ऐसे हो तो यू आर लाइक ए स्टीव डोर। स्टीव डोर जनरली वो लोग होते हैं जो किसी भी शिप के अंदर सामान रखते हैं या निकालते हैं, उसको लोड या अनलोड करते हैं। शिप, पर्सन हु लोड्स एंड अनलोड्स अ शिप, उसको स्टीव डोर बोलते हैं। बहुत ही ताकतवर टाइप के होते हैं, अंदर से हैवीली बिल्ट होते हैं वो अंदर से। एंड येल, येल का मतलब चिल्लाना। येल लाइक ए फिश वाइफ, जो मच्छी बाजार में जो महिलाएं मच्छी बेचते हैं, वो फिश वगैरह बेचते हैं, उनको बोलते हैं फिश वाइफ। एब्यूसिव भी हो सकती हैं और हो भी जाती हैं कई बार, ऑफन डू। तो अगर ऐसी इतनी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज किसी के अंदर हैं तो वो है विरागो। देखते हैं कोई लड़की मानती है नहीं मानती है, वैसे तो बहुत मुश्किल चांस है कि कोई माने और एक्सेप्ट करे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुपर पैट्रियोट, ये बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुपर पैट्रियोट वाली कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये वो लोग हैं, ये कहानी आप पढ़ लेना, ये वो लोग हैं जो अपने आप को और अपने से संबंधित सारी चीज़ों को सुपर डुपर डुपर हिट बताते हैं, कि बस क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ या ये मेरा है, चाहे वो आपसे कुछ भी हो, आपका रिलीजन हो, ठीक है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका पड़ोसी हो, आपका अपना अपना जेंडर हो, ठीक है, कुछ भी हो, बस वो आपसे जुड़ा हुआ है तो परफेक्ट है।
और जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे रिलीजन का है बेकार है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाला है बेकार है, दूसरे सेक्स वाला है बेकार है, दूसरे देश वाला है बेकार है, तो फिर ये कैटेगरी अगर आपकी है तो यू आर ए शोविनिस्ट। क्या हो? शोविनिस्ट। कि मेरी गाड़ी सबसे तेज चलती है, है? मेरा घर सबसे सुंदर है, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो सबसे अच्छा, मेरा देश सबसे अच्छा है। देश की तो खैर अच्छी तारीफ हर कोई करता ही है, बट हर चीज अगर अच्छी है तो उसके अंदर बुराइयां भी है, चाहे वो हमारा रिलीजन हो, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो हमारा कल्चर हो, चाहे वो हमारी सारी चीज़ हो। अच्छाई है उन पे प्राउड फील करो, खराबी है तो उसको एक्सेप्ट करो, इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो, दैट्स द पॉइंट। लेकिन जो बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ तारीफ करते हैं, कमियों को मान ही नहीं सकते, चाहे वो कल्चर की हो या देश की हो या अपनी खुद की हो, वो होते हैं शोविनिस्ट टाइप के लोग। और इनको ऐसा लगता है कि इनहैबिटेंट्स ऑफ अदर नेशन, उनका लगता है दूसरे देश के लोग जो है वो तो बेयरली सिविलाइज होते हैं, वो तो सिविलाइज होते ही नहीं है, हमारे यहाँ के सबसे अच्छे हैं, दूसरे देश के सब खराब बर्बाद हैं सब। तो तुम क्या हो? तुम एग्जासरेटेडली एग्रेसिवली एब्सर्डली एक्सेसिवली डिवोटेड टू योर ओन एफिलिएशंस हो, एंड यू मेक नो बोन्स अबाउट एडवर्टाइजिंग सच प्रेजुडिस। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हेजिटेशन ना रखना। इस और जो शोविनिस्ट टाइप का व्यक्ति होता है ना, वो इस तरीके की चीज़ों को बोलने में जरा सी भी उसको हिचकिचाहट भी नहीं होती, उसको ये समझ भी नहीं आता कि तो क्या बोल रहा है यार। नथिंग इज परफेक्ट एंड नोबडी इज परफेक्ट, कमियां होती हैं, एक्सेप्ट करनी चाहिए। डोंट बी ए शोविनिस्ट, बहुत बेकार क्वालिटी होती है शोविनिस्ट होना, ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के लिए शोविनिस्ट या जिंगोइस्ट होना इज ए बैड क्वालिटी। एग्जाजरेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, एब्सर्ड मतलब भद्दा, बेयरली मतलब शायद ही कभी, एफिलिएशन मतलब आपसे जुड़ा हुआ, मेक नो बोन्स अबाउट मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, और प्रेजुडिस मतलब किसी के प्रति हीन भावना होना, बिना किसी व्यक्ति वस्तु जगह को जाने हुए उसके प्रति हीन भावना मन में रखना, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को लगता कोई भी अपने आप को शोविनिस्ट बोलेगा, लेकिन अगर कोई हो ऐसा वो इतने गट्स भी रखता हो बताने के तो बताना जरूर। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोमैनियक। मोनो मतलब एक, मैनियक मतलब पागल, किसी एक चीज के प्रति पागल। फैनेटिक या कट्टर टाइप का हो सकता है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कोई व्यक्ति जो किसी एक चीज के पीछे पागल हो। दिस पर्सन हैज ए वन ट्रैक माइंड, एक पर्टिकुलर चीज के पीछे पागल है, सारी एनर्जी पूरी एक्सेसिवनेस सारी जील सारा सब कुछ उसकी जिंदगी में वो एक ही है। इट कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी प्रोफेशन, इट कैन बी हस्बैंड, और इट कैन बी वाइफ और चिल्ड्रन और पेट पूजा और पैसे कमाना और एनीथिंग एल्स। कोई एक चीज के पीछे अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से पागल हो जाए, और इतना कि वो आपका पैशन से हटके वो आपका ऑब्सेशन हो जाए, ऑब्सेशन भी एब्सर्ड भद्दा बेकार हो जाए, कि आपको दिन रात उठते बैठते पढ़ते लिखते सोते गाते नहाते धोते सब सिर्फ एक चीज नजर आए, तो यू हैव बिकम ए मोनोमैनियक। ठीक है, अब देखते हैं कौन बता पाएगा मोनोमैनिया कौन है आप में से। आगे बढ़ते हैं, अटैकर इज द वर्ड रिटन हेयर एंड द वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट। ये वर्ड मुझे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता है, थोड़ा बहुत मुझे यहां पर ये मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इस टाइप की है कि यू आर वॉयलेंटली, वॉयलेंटली मतलब होता है हिंसात्मक रूप से, हालांकि आई एम नॉट हिंसक, मैं बहुत ही सभ्य टाइप का व्यक्ति हूं, हिंसात्मक। यू आर वॉयलेंटली अगेंस्ट, अगेंस्ट वॉट? अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ। जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ है सोसाइटी के, जो बने हुए विश्वास हैं, उनके खिलाफ होते हो आप। रेवर्ड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस या कस्टम्स जिनको लोग मानते हुए आ रहे हैं उनके खिलाफ हो। चेरिस्ड कस्टम्स, जो हमारे कस्टम्स हैं उनके खिलाफ हो। एंड सच यू से स्टैंड इन द वे ऑफ रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस। आप कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों के रिफॉर्म और प्रोग्रेस के आड़े आती हैं, एंड आर ऑलवेज, और आप ऐसा सोचते हो कि ये हमेशा सुपरस्टिशन और इरेशनैलिटी पर बेस्ड होते हैं। हालांकि मैं इतना भी कट्टर इस चीज को मानने में नहीं हूं कि मैं इनको हमेशा सुपरस्टिशन और इरेशनैलिटी मानूं। जनरली यहाँ पर लोगों का मान वो सामाजिक रीति रिवाजों से होता है, तो वो इतने भी खराब नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं मैं अपने आप में क्वेश्चन करने की हिम्मत रखता हूँ कि आई क्वेश्चन दिस द वेरी फाउंडेशन ऑफ दीज ट्रेडिशंस। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मानने में विश्वास नहीं रखता हूँ जो कि किसी ने बोल दिया या हमारे वो करते आ रहे हैं लोग, तो मैं भी कर लूँ। टिल द टाइम आई डोंट फाइंड अ लॉजिक,
आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स इंटरनली. अब किसी को खुश करने के लिए मैं उसको पैसे कर दूं थोड़ा सा वो अलग बात है. इंटरनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स टिल द टाइम आई फाइंड अ लॉजिक ऑन दिस. तो खैर रिलीजन फैमिली मैरिज एथिक्स जो आइकोनोक्लास्ट होगा वो तो सबको ही विरोध करेगा सबका ही. तो अगर आप ऐसे हो तो यू वर नॉट देयर व्हेन दीज वर स्टार्टेड. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई जब ये शुरू हुए ना मैं था नहीं वहां पे, मैंने नहीं करे और मैंने नहीं करे मैं था नहीं वहां का मतलब ये मेरे सामने होते तो मैं होने भी देता इनको शुरू. एंड यू आर नॉट गोइंग टू कन्फॉर्म टू सिंपली बिकॉज मोस्ट अनथिंकिंग पीपल डू सो. आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे पुरानी चली आ रही चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने दिमाग लगाते नहीं है. चल रहा है तो चल रहा है. एंड इट हैपन्स, इट लिटरली हैपन्स. बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं और मुझे बहुत ही एब्सर्ड लगता है, मुझे बहुत ही भद्दा सा लगता है कि लोग फास्टिंग करते हैं और जेन्युइनली लोगों को पता ही नहीं होता व्हाई शुड वी फास्ट एंड व्हाई डू वी फास्ट. दे हैव नो लॉजिक बिहाइंड दैट. उन्हें लगता है कि फास्ट करने से भगवान खुश हो जाएंगे इसलिए फास्ट रखे गए थे. नो गॉड इज आस्किंग यू टू कीप योर स्टमक हंगरी एंड द गॉड कैन नेवर आस्क यू टू कीप योर स्टमक हंगरी. भूखे रहने से भगवान खुश कभी नहीं होते. भूखे रहने से हफ्ते में एक दिन 8 घंटे से लगातार 12 घंटे लगातार भूखे रहने से शरीर की बीमारियां खत्म होती हैं. इसलिए कुछ विद्वानों ने इस फास्टिंग के प्रोसेस को इसके साथ जोड़ दिया भगवान के साथ कि भगवान के नाम पे तो कर ही लेंगे. बट द सुपरस्टिशियस पीपल डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड डोंट इवन अंडरस्टैंड थिंग्स, डोंट अंडरस्टैंड लॉजिक. लोग अनथिंकिंग पीपल बिलीव करते हैं. मैं पर्सनली उस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर हूं. टिल द टाइम आई डोंट फाइंड द लॉजिक आई डोंट कन्फर्म टू द प्रिंसिपल्स मेंटेन्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय द सोसाइटी. तो आई एम ए बिट ऑफ आइकोनोक्लास्ट. आप बता सकते हो आप क्या हो. दूसरा बड़ा स्केप्टिक और अथीस्ट, अ लिटिल बिट ऑफ अथीस्ट. आई एम, यस आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अथीस्ट. और अथीस्ट वो व्यक्ति होता है जो मानता है भगवान नहीं है. तो देयर इज समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट देयर इज समथिंग. अथीस्ट वो व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, अथीस्ट वो जो भगवान को मानता है. तो अथीस्ट तो वो जो बिल्कुल कहता है भगवान भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं. तो आई एम अगेन नॉट दैट मच एडमेंट कि मैं किसी दूसरे की सामने वाले व्यक्ति की थिंकिंग या आस्था को चोट पहुंचाऊं. कोई व्यक्ति मान रहा हो और मैं उसके सामने जाके बोलूं क्या आडंबर मचा रखे हैं कुछ नहीं होता ऐसा, तो आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट यस आई डू इन माई सेल्फ आई बिलीव दैट आई विल नॉट वर्शिप टू दी नेम्स गिवन बाय द सोसाइटी. लोगों के मन में डर बिठाने के लिए ये भगवान और वो भगवान और ऐसे भगवान और ऐसे भगवान, ये डर बिठाने के लिए बनाए गए भगवान हैं बहुत सारे. तो हाँ, इनकी कहानियों से इफ यू गेट सम पॉजिटिविटी डू लिसन टू देम. If you get some positive nature, positive conduct, do listen to them. Superstitious चीजों में विश्वास कर लेना कि तुम्हारी तो 7:30 चल रही है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और 5100 रुपए चढ़ा दो और भगवान खुश हो जाएंगे, तो to hell with that. अगर ऐसा कोई बोलेगा उसके लिए तो मैं कट्टर अथीस्ट. फिर बज का मतलब होता है सरकना. जो अथीस्ट होता है वो ऐसी चीज है बिल्कुल नहीं सरकता, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता, बिल्कुल हिलता नहीं अपनी जगह से अथीस्ट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ इंडल्जर. ओहो हो, इसको तो कभी कोई मानेगा नहीं अपने आप में. समाज में होते बहुत सारे हैं. लैसिवियस, लिबिडिनस, लस्टफुल, लूड, वांटन, प्रोमिस्कुअस, लेचर. ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स अपने मन में रखता है कि मतलब आदमी आदमी के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है. ऐसा आदमी जो मतलब जहां जिसको देखे वहीं पर उसके मन में सेक्सुअल डिजायर पैदा हो जाए. और प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सेक्सुअल अपनी डिजायर्स के फुलफिलमेंट करेगा और जिनके साथ भी जो सेक्सुअल पार्टनर बनाएगा कोई भेदभाव भी नहीं करेगा. मतलब कुछ इस टाइप के लोग होते हैं. लिटरली आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब से लग सकती है बट प्रोमिस्कुअस का मतलब ही होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई भेदभाव ही नहीं करेगा किसके साथ सेक्स करना किसके साथ नहीं. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई मिल जाओ वहीं पर सेक्स कर लेगा. तो वो व्यक्ति होता है प्रोमिस्कुअस. लेसिवियस, लिबिडिनस, लस्टफुल, लूड, वांटन. वांटन थोड़ा कैरेक्टर लेस टाइप का वर्ड है. जनरली वांटन जो शब्द है वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए यूज होता है. ठीक है, बाकी सारे वर्ड
आदमियों के लिए ही है ये लेचर और सारे सारे सिनोनिम आपस में, लेसिवियस, लिबिडिनस, लस्टफुल, लूड, ये सब सिनोनिम अपने आप में। तो इस तरीके का ढीले कैरेक्टर वाला आदमी जिसकी सेक्सुअल डिजायर से ही उसका मन हमेशा भरा रहे, मेरे ख्याल से तो कोई एडमिट करने वाला है नहीं, इतने गट्स तो किसी के अंदर होंगे नहीं। एंड द नेक्स्ट पर्सन इज, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसको हमेशा चिंता लगी रहती है। ये जो व्यक्ति है जिसके हम बात करने वाले हैं, ये है हाइपोकोंड्रियाक। हाइपोकोंड्रियाक भैया वो आदमी होता है जिसको हमेशा अपनी हेल्थ की चिंता है, उसको लगता है मैं बीमार हूं, वो हमेशा बीमार, उसको लगता है कि मैं हमेशा बीमार हूं, और कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का ऑर्गेनिक कोज नहीं ढूंढ पाता, एलिमेंट मतलब वो तो बीमारी। उसको लगता है कि उसके अल्सर्स हैं लेकिन मेडिकल टेस्ट शो करते हैं सब कुछ ठीक है, हेल्दी स्टमक है। उसको लगता है उसका हार्ट में पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, पाल्पिटेशंस का मतलब होता है इरेगुलर और रैपिड बीटिंग ऑफ हार्ट, बहुत तेजी से दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो उसको लगता है पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, कार्डियोग्राम जो हार्ट बीट को नापने वाली मशीन है वो बिल्कुल सही दिखाती है। उसको हेडेक हो जाता है और वो बिल्कुल श्योर है कि हेडेक हो रहा है, उसको लगता है जो मेरे को हेडेक हो रहा है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है, लेकिन जो एक्सरे मशीन है वो दिखा रही है कोई ट्यूमर वगैरह है ही नहीं। और उसको लगता है कि ये जो मेलेडीज हैं, जो बीमारियां उसको हो रही हैं, ये इमेजिनरी नहीं है, मतलब उसको लग रहा है तो बहुत रियल है, ठीक है, बल्कि हकीकत यह है कि हैक होता कुछ भी नहीं है साथ में को, लेकिन उसको लग रहा है सब कुछ है। और ऐसा व्यक्ति एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे चौथे, सबके पास जाएगा और फायदा तो होगा नहीं कुछ, फ्यूटाइल मतलब यूजलेसली। और तब तक जाएगा जब तक कोई बता ना दे कि हाँ भैया बहुत तगड़ी बीमारी हो रखी है, भैया बहुत कम टाइम बचा आपके पास, आप गुजरने वाले हो बहुत कुछ ही दिनों में, तब जाकर के उसको लगेगा हाँ मैं देखा मैं सही बोल रहा था। जब तक वो जाएगा तब तक उसको इमिनेंट तुरंत होने वाली डेथ की कोई कंफर्मेशन ना दे दे, और इस बात से वो और ज्यादा कन्विंस होता रहेगा कि और इस कारण से और ज्यादा कमजोर भी होता चला जाएगा, होगा बेचारा कमजोर तो क्या करेगा फिर। ऑर्गेनिकली ऑफकोर्स देर इज नथिंग द मैटर विद यू, ऐसा कोई होता नहीं है इस व्यक्ति के साथ, लेकिन क्या करें, टेंशन, इनसिक्योरिटी और नीड फॉर अटेंशन इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेटेड बॉडीली इल्स। ऐसे व्यक्ति को कोई वो जादू की झप्पी देना, उसको समझाए ध्यान से कि बेटा कुछ नहीं हो रखा, समझो, तब जाके वो सुधर सकता है, नहीं तो हाइपोकॉन्ड्रिक होता है जो अपनी हेल्थ को लेकर के एक्सेसिवली, एक्सट्रावेगेंटली, अननेसेसरीली कॉन्शियस हो जाए, ठीक है, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रिक। मुझे लग रहा है सेशन मैंने ज़्यादा ही लंदी कर दिया, थोड़ा सा 27 मिनट का सेशन हो गया है। खैर आप मुझे बताइएगा जरूर कि इनमें से कौन सा शब्द आपकी पर्सनैलिटी को बता सकता है। आई विल वेट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।